वेलकम टू माय चैनल ग्रेवी गली। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बिल्कुल यूनिक कॉम्बिनेशन की एक आइटम, जिसको आप मेन कोर्स में भी बना सकते हैं, और अगर आप इसको सूखा बनाएंगे विदाउट ग्रेवी तो ये आपका एज अ स्नैक या एज अ स्टार्टर भी काम आ सकता है। बनाने जा रही हूँ चिकन कीमा है, जो मैं काले चनों के साथ बनाऊँगी, तो इसको आप चना चिकन कीमा नाम दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रोसीजर। ये मैंने कीमा बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट ली है, और इस तरह से ये देखिए मैंने थोड़ा सा श्रेड करके रख लिया है। बहुत ही छोटा छोटा आपको ये चॉप कर लेना है कीमा। आपके अगर रेडीमेड अगर आपको कीमा मिलता है तो आप रेडीमेड वाला भी ले सकते हैं। तो मैं इसका बना रही हूँ। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मैं करूँगी सॉल्ट ऐड इसमें। इसको हमें 1 घंटे के बाद वॉश कर लेना है, या आप आधा घंटा भी रखेंगे तो भी चलेगा। दूसरा ये कि आप इसको वॉश करेंगे बनाने से पहले। फ्रेंड, यहाँ मैंने साथ ही गरम मसालों के बाद प्याज डाल दी थी, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा तेज़ था तो इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। तो अब हमें इसको लाइट ब्राउन भूनना है। देखिए मैंने वॉश कर लिया है इसको छन्नी में डाल के, और अब हम मसाले में डालेंगे टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, क्योंकि कीमा जो है मेरा 300 ग्राम के करीब है, तो 2 टमाटर काफ़ी रहेंगे। मैं इसको मिक्सी करने जा रही हूँ। यहाँ इसी टमाटर के पेस्ट में मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी, ये रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है, और तीखी भी है, दोनों में साथ मिला के डाल रही हूँ। ये बिल्कुल जरा सा 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर है, और ये जाएगा नमक। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको भी हम साथ ही ऐड कर देंगे। इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। ये हमने कर दिया कीमा ऐड, और अब हमें इसे भूनना है जब तक कीमे का कलर चेंज ना हो जाए, करीब 7 मिनट तक। ये देखिए कीमे ने कलर चेंज कर लिया है, लेकिन अभी जो ये पानी है ये हमें उड़ा देना है सारा। हमें फ्लेम करनी है, और इसको जल्दी जल्दी से भूनते हुए सारा पानी जो है इसका इवेपोरेट कर देना है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये उबले हुए काले चने, इनको मैंने उबाल के रखा हुआ है पहले से। इसको भी हम थोड़ी देर भूनेंगे साथ में। यहाँ अब हम 2-4 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिएगा, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इसका सारा पानी जो है वो चनों के बाद भी सारा सूख गया है, जो चने हमने डाले थे उसके बाद जो भूना था हमने, तो ऑयल सेपरेट हो चुका है। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पानी था उबले हुए चने का, ये हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन मैं यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सादा पानी डालूँगी। इसको मैं राइस बनाने में या फिर सूप में यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत हैवी और बहुत रिच हो जाएंगे ये अगर मैंने चने का पानी भी डाल दिया। तो मैं इसमें सादा पानी डाल रही हूँ।
लेकिन आप चनों का पानी ही डालिएगा तो उससे स्वाद भी बढ़ेगा और बहुत हेल्दी भी हो जाएंगे। अब हम इसको बस एक सीटी लगा देंगे क्योंकि हमारा जो ये कीमा है ये भी भुना हुआ है, ऑलमोस्ट कुक्ड ही है, तो बस इसमें 5% मार्जिन है पकने का और साथ ही चने तो हमारे उबले हुए हैं ही। बस एक सीटी लग गई है, अब गैस बंद कर देंगे और इसको अपने आप ही ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे। और लीजिए ये बिल्कुल रेडी है, आप चाहे इसे चपाती के साथ खाएं चाहे इसे राइस के साथ। आप भी इसको ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए रेसिपीज़ जो आपको डिफरेंट लगती है, तो आप भी इसका मजा लीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ग्रेवी गली। अच्छा है, बिल्कुल मटन टाइप सा आ रहा है टेस्ट। और मेरे को लगता है मैं पहली बार खाया।